Thank you, thank you so much. फर्स्ट डे और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्पेशली हमारे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे हम लोग अच्छा गाते थे, पर अभी हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं. तो और हाँ, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं हमने सच में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेंटर्स हैं नीरज सर, मंगल सर, जयदीप सर, तो उन सबसे मैंने, हम सब ने बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे लाइफ में सिर्फ इंडियन आइडल के लिए नहीं, हमारे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज हम इतने सारे दोस्त बन गए, पहले तो ऐसे दोस्त नहीं थे, तो बहुत अच्छा लगता है. हम तीनों बंगाल से हैं, बहुत प्राउड फील होता है कि हम तीनों ही बंगाल से हैं, तीनों गर्ल्स से. ये बोलना सबसे टफ चीज है, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं ना, वो हमारे सभी, मतलब एपिसोड खत्म होने के बाद सभी फेवरेट हो जाता है, क्योंकि मतलब इतना अच्छा जाता है एपिसोड. तो कौन सा था लेटेस्ट वाला बोले, रिसेंटली बोले तो बोलो ना, बोलो कौन सा आप अपना फेवरेट बोल दो कि कौन सा. मेरा भी वैसा, मेरा सब भी बहुत फेवरेट मोमेंट है, क्योंकि मेरे साथ साथ इधर पापा मम्मी का भी बहुत 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 प्यार मिला. और जो मेरा सब, मतलब हर एपिसोड में मेरा एक ना एक मोमेंट होता है जो बहुत अच्छा. तो फिर भी एक है जो शानू सर आए थे, कुमार शानू जी आए थे, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस ऑडियंस के सामने बैठ के देखा, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सिंगर है, तो उन्होंने मेरा गाना ऑडियंस ऑडियंस इधर बैठते हैं उधर बैठ के सुना, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मोमेंट. मेरा बात सुन लो, कपड़ा मेरे लिए तो बहुत सारा था. जैसे कि सुभाष घाई सर आए थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि तुम क्या मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी, वैसा वाला. तो मतलब क्या है ना कि सिंगर तो सभी जानते हैं हमें, बट इधर आके मेरा जो एक अलग पहचान है वो है कि एज अ एक्टर लोग हम, मतलब मुझे देखना चाहते हैं इन फ्यूचर. तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मेरा फेवरेट मतलब सभी तो है ही, पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा वो है रानी मुखर्जी मैम भी आए थे हमारे सेट पे प्रमोशन के लिए उनके फिल्म का. तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना, उनको ऐसा लगा कि ओरिजिनल गाना बज रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है. और उन्होंने ये भी कहा कि तुम अगर मेरे वॉइस पे अगर तुम प्लेबैक करते हो तो वो बहुत ज्यादा सूट करेगा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सभी लोग उनके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, और वो भी ऊपर से बंगाली है, तो ये मतलब हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जब भी वो आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे लिए बात कहते हैं. तो क्या बात है, बहुत सारा, मतलब ऐसा होता है ना कि एपिसोड में जो जो हम जो जो रिएक्ट करते हैं ना, मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि जो रिएक्ट करते हैं हम लोग डांस वगैरह करते हैं, तो वो छोटा छोटा क्लिप लेके ना वीडियो बना के मर्ज करके एडिट करके जो पोस्ट करते हैं, तो प्यारा प्यारा गाना देगा और इतना प्यारा प्यारा कैप्शन, मतलब इतने सारे, मतलब वो कितना मेहनत करते हैं, पर सारा एपिसोड देखते हैं, एक एक सीन निकाल निकाल के कट करके वीडियो बनाते हैं, तो ये सब देख के बहुत ब्लेस्ड फील करती हूं. सच में बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने, इसलिए तो हम आज टॉप सिक्स में पहुंचा, सिर्फ ऑडियंस की वजह से हम टॉप सिक्स में पहुंचा. ऐसा बोलूं कि ये शो खत्म होने के बाद भी हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए, इतना बहुत बहुत सारा आशीर्वाद कीजिए कि हम और आगे बढ़े. सोशल मीडिया ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे शो के ड्यूरेशन की वजह से कुछ कुछ गाना कट हो जाता है, बट वो प्रोमोज में आते हैं, तो सारे लोग ना ऐसे वेट करते कि कब वो गाना आएगा. जब वो टीवी में नहीं आते, वो लिटरली झगड़ा करते कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये गाना क्यों नहीं दिया, सोनाक्षी का गाना इतना अच्छा, लोग वेट करते. तो इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि सभी लोग हमारे गाने को इतना ज्यादा प्यार देते कि वो लिटरली बैठे रहते कब हमारा गाना आएगा. अगर एक भी लाइन नहीं आएगा ना, वो लोग एकदम पागल जैसे हो जाते. इनका ज्यादा थैंक यू सो मच इसके लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए. हमने कभी सच में ऐसा नहीं सोचा था कि हम बहुत ऑर्डिनरी घर से हम है, तो इतना प्यार मिलेगा सबका, इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो हम बहुत ही थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है. सो
और ये प्रॉप सेंटर में नहीं है, थोड़ा हल्का राइट लेफ्ट में जाएगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आके लोग जो मेरा जो एक अलग जो रूप उन्होंने निकाला है कि एज अ एक्टर लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो उस रिलेटेड ही मेरा फिनाले परफॉर्मेंस होने वाला है। तो बाकी नहीं बोलेंगे, बाकी देखने के लिए फिनाले देखना पड़ेगा। आगे बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि हमारा सभी का एक्ट बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा जो प्रॉप है ऊपर से मैं नीचे आ रही हूँ, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट अभी मैनेज हो गया। तो सभी को बोलो फिनाले देखो, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ हिंट ही दे सकती हूँ क्योंकि पूरा देखने के लिए फिनाले तो देखना ही पड़ेगा। मेरा जो एक्ट है, मुझे ऐसा लगता है हम सबका जो एक्ट है बहुत डिफरेंट है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पहले कभी हुआ होगा। तो मेरा जो एक्ट है वो स्पेशली मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बचपन से लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, रफी जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो उनसे रिलेटेड ही मेरा एक्ट है। तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये ड्रीम फिनाले जो है ये सच में ड्रीम जैसा ही, मतलब ड्रीम पूरा होने जैसा ही है, क्योंकि मैं मेरा जो एक्ट होने वाला है मैं कभी मौका नहीं मिला वैसा करने के लिए, तो आज मैं इंडियन आइडल के मंच पे वैसा करूंगी। मुझे मेरा ड्रीम पूरा होने का मतलब वो है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो पूरा देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। गाइस ये ट्यूबलाइट को कितना टाइम है एक दूसरे के संगीत गाना हो तो क्या गाना पसंद? कितना टाइम मेरे को शशि खाली टाइम बता, कितना टाइम ट्यूबलाइट को? कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। साहिल कभी अलविदा। जो जिसके लिए आप लोग इतना इंतजार, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो देखना बोले 2 अप्रैल को फिनाले हमारा, द ड्रीम फिनाले। थैंक यू। पहले बात तो बहुत बहुत खुशी है मुझे कि मैं ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ। मतलब जब मैं आया था भद्रवाह जम्मू कश्मीर से, तो मतलब एक सपना, छोटा सपना लेके आया था कि नहीं भाई स्टेज पे आना है, देखेंगे हो पाएगा कुछ कि नहीं, सिंगिंग में अपना करियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। वो नर्वसनेस थी कि वो एक गाने में इतनी नर्वसनेस थी कि क्या पता क्या होगा, मतलब वो स्टेज हमें एक्सेप्ट करेगी जिस मंच पे, जिस मंच ने आज हमें इस काबिल बनाया है। तो फिर वो सब वो ऐसे जर्नी शुरू हुई उस नर्वसनेस के कारण, हम स्टेज दर स्टेज वो पार करते गए और आज जाके द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन के बहुत बहुत मजा आ रहा है। मतलब कभी सोचा नहीं था, ऐसे ड्रीम कम ट्रू है। ड्रीम डेब्यू के बाद ये ड्रीम फिनाले तो पूरा ऐसे ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। देखिए बहुत सारे दोस्त थे मेरे, मतलब जो निकलते गए एलिमिनेट हुए उनके साथ नहीं, मतलब उनके साथ काफी बॉन्ड था। इधर भी बहुत सारे, विदिप्ता है, ऋषि है, रूपम है, काव्या, बहुत सारे थे। जी जी मेरे लिए तो मतलब मेरे हर परफॉर्मेंस को मैंने बेस्ट माना है, बट अगर एक परफॉर्मेंस बोला जाए तो मुझे जो है, जब मैंने रोजा जाने मन गाया था रहमान साहब के सामने, तो पहले बात तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके सामने गाना, उनका गाना निभा पाने बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे ये कमेंट पाना कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, रोमांटिक है, मतलब मैं ऐसा था कि धन्य हो गया, मतलब तो वो मेरा बहुत मेमोरेबल मोमेंट था एक। जी 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 देखिए बहुत सारे फैन पेजेस बन गए। पहली बात तो उन सभी लोगों को, मतलब जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है आपको, और मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जब मैंने देखा था वो फैन पेजेस के लिए बहुत सारी बन गई है, और मतलब इतने फैन पेजेस मेरे लिए हैं, तो मैं पहली बात तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, बट बहुत ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए। मुझे सुनाई नहीं दिया। वापस बोलो। काफी सारे सिंगर्स हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं सिंगर्स यहाँ पे टॉप 6 जो हैं,
और जो बाहर मतलब अभी एलिमिनेट भी हो गए जो फैमिली थी टॉप 15 की उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूंगा, और जो अभी लेजेंड्स हैं जैसे अरिजीत सिंह है उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूंगा। अभी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं है, बट मैं होप करता हूँ कि मुझे मिलेगा ऐसा मौका। जी उन्होंने जो तीन जजेस हैं हमारे बहुत प्यारे जजेस हैं, मतलब हम लोग कभी ऐसा होता है ना कि स्टेज पे आते हैं कभी नर्वस होते हैं, कभी कभी एलिमिनेशन डे होता है तो बहुत नर्वस होते हैं हम लोग, बट फिर भी वो स्टेज का ऐसा एक वाइब बना के रखते हैं कि पॉजिटिविटी रहे, तो उनका हर बारी ऐसा रहता है कि वो पॉजिटिव रहते हैं और तब जाके हम वो नर्वसनेस भुला के जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ से विशाल से कभी बोलते हैं गुड लक ऐसा बोल देते हैं, और नेहा मैम की अलग सी पॉजिटिविटी थी, जब भी आते थे उनको देख कर ही ऐसा पॉजिटिव, और HR सर की तो बात ही अलग है, मतलब वो तो हमेशा ही ऐसे एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, तो जब भी ऐसे हम डर लगता है तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बस एनर्जी से भर गए, मतलब हर हर जजेस का अपना अपना है मतलब। जी ये ट्रॉफी अगर मुझे मिलता है तो अपने पेरेंट्स को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा ये ट्रॉफी। जी हाँ मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। थैंक यू। फैंस को तो पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, पहली बात तो फैंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मतलब उनके कारण मैं ग्रैंड फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ, द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ, और मतलब जैसा प्यार मुझे वो देते आए हैं वैसे ही मुझे अगर वो मिनट बनता देखना चाहते हैं तो वैसे ही प्यार दें, और बस तहे दिल से शुक्रिया उनको और कुछ नहीं। और जैसे कि हमारा प्रॉप डिज़ाइन हो रखा है इस बार तो एक्ट बिल्कुल अमेजिंग हो रखे हैं, हमें डांस के साथ साथ गाना है और मतलब ऐसे अलग ही एलिवेट हो चुका है हमारा एक्ट, कोरियोग्राफर्स हैं डांसर्स हैं जो कि मतलब ऐसे सेलिब्रिटी वाइब आ रही है पूरी, बट बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप प्लीज़ देखिएगा द ड्रीम फिनाले 2 अप्रैल को, वापस बोलूँगा मैं द ड्रीम फिनाले देखना ना भूलेगा 2 अप्रैल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, आप लोगों के प्यार की वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए, सो वन सेकेंड थैंक यू। ऑब्वियसली टॉप 6 तक का जो सफर रहा है बहुत ही ज्यादा ही सीखने वाला रहा है हम सभी कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि हमने जहाँ से शुरुआत करी थी उसके बाद से जो जर्नी हमने पूरी देखी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है, बहुत सारी चीज़ें जानी है, और हम कितना अच्छा कर सकते हैं अपने म्यूज़िक में ये चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ आके वो तो हमको मिल गया और हम ऑब्वियसली यहाँ से जाने के बाद इतना अच्छा करेंगे कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा ऊँचा हो। हाँ मतलब एज अ ऑन स्टेज देखे तो विदिप्ता तो साथ में ही थी हमारे, और एज अ बहुत अच्छी डुएट पार्टनर रही है और हम लोग उसके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर एक दूसरे का कल्चर शेयर किया है, और वो कल्चर शेयर करने के बाद हमने यहाँ पे इतने ज़्यादा त्यौहार मना लिए, इतने ज़्यादा हमने होली भी खेल ली, हमने दिवाली भी मना ली, और इतने हम साथ बैठ के इतने ज़्यादा मतलब हंसी मजाक करते हैं ना, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है हम सबको, ना कि मतलब सिर्फ कंटेस्टेंट्स के साथ, हमारे जो गुरुज हैं उनके साथ, हमारे जो बाकी हमारे पीछे जितने लोग लगे रहते हैं उन सब के साथ भी हम इतना हंसी मजाक करते हैं, तो एज अ वे एज सिंगिंग तो हमारी उनकी वजह से ही अच्छी होती है क्योंकि हमारे मूड को इतना ज़्यादा स्टेबल रखते हैं ताकि हम अच्छा गा पाएँ। जब वो
सिंगिंग की जो शुरुआत हुई थी वो तो मतलब मुझे खुद को नहीं याद है कि मतलब कैसे वो शुरू किया था मैंने, पर क्योंकि मैंने भजन गाना मेरा एक शौक भी नहीं था, मेरा वो नहीं था, मैं कनेक्टेड इतना रहता था क्योंकि मैं उस धर्मनगरी से ही हूँ और वहाँ पे माहौल ही ऐसा रहता है, तो वहाँ से मेरी शुरुआत ऐसी ही हो गई। और मैं मतलब घर वाले भी एकदम शौक रहते थे कि मतलब इसका इंटरेस्ट कहाँ ही जा रहा है, मतलब पढ़ाई में भी मैं कनेक्टेड रहता था, इधर भी रहता था, तो दो चीज़ एक साथ चलाना शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, पर घर वालों के सपोर्ट से, घर वालों के इनकरेजमेंट से आज मैं इधर हूँ और उनको वो देखकर, उनकी आंखों में वो खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो शायद उनसे ज़्यादा प्राउड कोई नहीं हो सकता वर्ल्ड में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं पूरे शो में, हमने इतने लोगों से मिल लिया, हमने ड्रीम एक्टर से हमने मिल लिया, और रिसेंट में जब राकेश सर आए हुए थे हमारे शो में तो मेरा एक थोड़ा मिसिंग लग रहा था उस टाइम पे कि काश ऋतिक सर भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके लिए उनका गाना मैंने गाया था सितारों की महफिल, तो वो एक पूरा हो जाता, पर उन्होंने जब मेरा वो ड्रीम पूरा कर दिया उनसे बात करा के ऑन कॉल, मतलब इतना रैंडमली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, पर उन्होंने कोशिश की कि मैं करा, मतलब वो करा पाए मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल, तो वो देखकर मुझे इतना लगा कि मतलब इंसान कितने अच्छे हैं सर वो, और जब मैंने बात की और उतना ही ऋतिक सर भी इतना ज़्यादा ही एक्साइटेड थे कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे लिए गाना गाओगे तो कितना अच्छा लगेगा, तो भगवान की कृपा रही तो वो भी मिल जाएगा मुझे, और वो गाना उनको उनके मूवी में गाने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। वो टाइम मतलब मैं विशाल सर के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं हिमेश सर के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल क्योंकि वो जजेस हैं, पर उनके म्यूजिक इतने लेजेंडरी हैं, वो इतना एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री का, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम सबको शेयर करेंगे और इनकरेज करेंगे, और पर जिनसे जिनके साथ मैं स्टेज शेयर करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, वो तो ऑल द टाइम मुझे यही लगता है कि मेरे लिए अरिजीत सर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आइडल वही हैं। अरिजीत सर का तो मतलब कितने ही गाने, मतलब सभी फेवरेट हैं सबके, पर रिसेंटली जो रणबीर सर के लिए भी मतलब मेरा गाना एक फेवरेट था केसरिया, जो सब जानते हैं, तो वो शायद मेरे लिए एक ऐसा रहता है कि ड्रीम गाना रहा है कि मतलब उन्होंने उस गाने ने कितना कुछ दिया है मुझे, और उसके लिए गाना मैं उनके लिए ये गाना गाना चाहूँगा बेसिकली, अरिजीत सर के लिए और रणबीर सर के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी वजह से और उन सबके इंस्पिरेशन की वजह से ये चीज़ें मुझे मिल रही है। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। थैंक यू। म्यूजिक को लेके मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ अगर इस ट्रॉफी मेरे हाथ में होती है, क्योंकि एक इंडियन आइडल बनना एक मेरा ड्रीम है, और वो मैं अगर आप सबका प्यार रहा, आप सबका सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है वैसे, पर लास्ट आप मुझे एक परफॉर्म करते हुए ड्रीम फिनाले में देखोगे, उसके बाद आपके वोट्स से ही इसको भी आप विनर बनाओगे, उसकी लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि ना कि सिर्फ विनर की, इनफैक्ट सभी टॉप सिक्स की, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेहनत करके आज वो पहुँचे हैं और इस म्यूज़िक को ऐसे लेवल पर ले जाने वाले हैं कि इंडियन आइडल पर जब वो एज अ गेस्ट आए ना तो उनको भी फील होना चाहिए यार हम यहीं से निकले और यहाँ पर एज अ गेस्ट आए, तो ये कितना प्राउड की बात होगी सभी के लिए जो हमारे लिए इतना लगे हुए हैं। अमेजिंग ये होगा कि आप सबने गाते हुए तो देख लिया, पर अब डांस थोड़ा ग्रुप्स करते हुए देखोगे और अपने कंटेस्टेंट्स को कि कैसे वो एक कहते हैं ना कनेक्ट करते हैं वो अपने ऑडियंस को एक साथ डांस के साथ, और वो ताकि ड्रीम फिनाले जो है वो ड्रीम फिनाले जैसा लगे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल लगना चाहिए वो, क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक हमने सारी चीजें इतनी बड़ी करी है कि वो कोई भूल नहीं सकता और हमेशा लोगों को याद रहेगा, ये जर्नी याद रहेगी, और ड्रीम फिनाले वो एंड है तो एंड तो एकदम मतलब तड़कता बड़कता होना ही चाहिए, एकदम लोगों को हमेशा याद रहे।
अगर ये ट्रॉफी मेरे हाथ में आती तो मैंने ये मतलब मैंने अयोध्या वालों को तो बोल ही दिया है, वासियों को तो बोल ही दिया है कि मैं आने ही वाला हूँ वहाँ पे, मैं जरूर करूंगा क्योंकि वहाँ पे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते नहीं है, वो मतलब लोग सिर्फ ऐसे एनवायरमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो तो मैं करता ही आया हूँ और वो तो नहीं चेंज हो सकता, वो एनवायरमेंट में रहना वो मैं भूल तो नहीं सकता, पर जाऊंगा और कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मुझे अपने म्यूजिक में भी ध्यान देना रहेगा, अपने इस म्यूजिकल करियर को आगे लेके जाना रहेगा और भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, और क्योंकि मैं कनेक्ट तो रहा हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो आप सब हमको अब ड्रीम फिनाले में देखेंगे 2 अप्रैल को रात 8 बजे से, तो देखना मत भूलिए, ऑन ओनली इंडियन आइडल सीजन 13 ओनली ऑन सोनी टीवी। थैंक यू सो मच। टॉप 6 में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो फिनाले की वाइब ही अलग होती है, एनर्जी ही पूरी अलग होती है। जितने महीनों से जितने हफ्तों से हमारी पूरी मेहनत है वो पूरी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं इस वक्त, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने एक्ट को लेके। एक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, हमारे प्रॉप्स बन रहे हैं, तो वहाँ से पूरा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एक्ट इस बार। सी ऐसा कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि सभी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, और भले ही ये शो मतलब इसके बाद आफ्टर फिनाले हम लोग मिल नहीं पाएंगे ऐसे रेगुलर जैसे हम यूज टू हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इतने टाइम से हम साथ में, यू नो, सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग यू नो शोज करेंगे और ज़िंदगी के सफ़र में तो सारे आगे जाएंगे एक साथ। ये तो मतलब इसके आगे तो पहले ये तो अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके आगे तो जितने भी मतलब रियलिटी शो हैं वो फीके ही हैं, मतलब क्योंकि आइडल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आना लोगों का सपना होता है, और मैं इस वक्त फिनाले में हूँ एज अ फाइनलिस्ट इन टॉप 6, तो ये मतलब किसी मिरेकल से कम नहीं है। मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत है, मैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहूँगा कि इसके बाद बस अभी एक मैं मतलब इसके बाद कभी मुड़ के ना देखना पड़े। हाँ मतलब एज अ सिंगर प्लेबैक सिंगिंग तो हर किसी का ड्रीम होता ही है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे यू नो टाइम चेंज हो रहा है, म्यूजिक चेंज हो रहा है, उस हिसाब से काफ़ी सारी वेराइटी हैं म्यूजिक में भी जो एक्सप्लोर करनी चाहिए हम सभी को। काफ़ी मैंने यहाँ पे आइडल में आके बहुत कुछ सीखा है, अपने म्यूजिक मेंटर्स से बहुत कुछ सीखा है, म्यूजिकली काफ़ी ग्रो किया, मैंने हर जॉनर के सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और इसके बाद भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैं खुद बनाऊं, एंड क्योंकि मतलब अपने आप को एक ऐसी जगह पे मैं देखना चाहता हूं कि मतलब जिसके आसपास किसी भी चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े, मतलब यू नो प्लेबैक सिंगिंग है तभी मतलब ऐसे हम पॉपुलर हैं, यू नो ऐसा नहीं, मतलब मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूं, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूं, मैं सिंगर भी हूं, सो मैं एक अपना वर्ल्ड देखता हूं म्यूजिक। सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि उनसे जो एक वाइब मिलती है, उनके लाइफ के बारे में हमको जानने को मिलता है कि यू नो उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, सो उनके लाइफ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ख़ास एक मेमोरी जो है वो माधुरी मैम के साथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लुक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, तो पापा शिवम से मैं कूल शिवम में ट्रांसफॉर्म हुआ था उस टाइम पे, तो उनके सामने मैंने उनके जो गाने गाए थे ओ प्रिया प्रिया और मुझे नींद ना आए, सो ये दो गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनके साथ उनके सामने ये गाने परफॉर्म किए। वैसे मतलब मेरे लिए हर सिचुएशन पे गाने बने हैं, मैं जब पापा शिवम था तो सोनाक्षी मैम ने मेरे लिए पापा शिवम पे रैप लिखा था, एंड मैं जब कूल बन गया तो टोनी सर ने आके मतलब उन्होंने मेरे लिए रैप गाया था, तो मतलब ये अपने आप में बहुत स्पेशल फीलिंग दिलाता है, एंड बस इसको मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगा अपने साथ। मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, उन सभी के नाम होगी वो ट्रॉफी, हालांकि कहने को वो मेरी ही होगी, लेकिन
ट्रॉफी एक, मुझे लगता है कि वो एक जिम्मेदारी है, वो एक मतलब हौसला देती है अंदर से कि यू नो ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी बहुत जाना है। सो नहीं बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाएंगे, क्यों नहीं। सो मैं पहले आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मैंने आइडल में फर्स्ट मैंने ऑडिशन में गाया था। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सो मच। फिनाले जब भी हम नाम सुनते हैं तो मतलब मैं जब घर पे था तो मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि जितने भी अवार्ड शोज होते थे उसमें जितने भी सेलिब्रिटीज होते थे उनके जितने परफॉर्मेंसेस होते थे तो उनके साथ में यू नो बैकग्राउंड डांसर्स होते थे, वो सारी प्रॉप्स आते थे, तो मतलब वही फीलिंग इस वक्त मुझे भी हो रही है क्योंकि मेरे साथ भी जितने लोग मेरे साथ बैकग्राउंड डांसर्स गर्ल्स बॉयज मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक अपनी वाइब है। और इस बार का जो फिनाले है, आज तक मतलब वैसा फिनाले हुआ ही नहीं होगा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इतने सेलिब्रिटी गेस्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता, आप देखते रहिए। इस बार का फिनाले ड्रीम फिनाले होने वाला है क्योंकि जब आए थे तो शुरुआत ड्रीम डेब्यू से हुई थी और अभी ड्रीम फिनाले है, तो ये सीजन अपने आप में एक ड्रीम है जिसको मैं जी रहा हूँ। सो दिस इज ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस, यू विल लव इट, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। तो गाइस देखना मत भूलिए 2 अप्रैल को रात 8 बजे हमारा ड्रीम फिनाले ओनली ऑन सोनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।